पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता तरुण भनोट का मानना है कि भाजपा मतगणना में भी गड़बड़ी कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विधायक खरीद सकती है तो गड़बड़ क्यों नहीं कर सकती। मतगणना से पहले कांग्रेस अपने 230 प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दे रही है। इसमें ईवीएम मशीन और मतपत्र की गणना के बारे में बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशियों का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर सकती है, इसको लेकर ये सावधानी बरती जा रही है। जबलपुर से प्रत्याशी पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि भाजपा सरकार खरीद सकती है तो फिर गड़बड़ी कैसे नहीं कर सकती। जा रही है, आइए हम बात करते हैं तरुण भनोट जी से। जी भाई साहब, एक ट्रेनिंग दी जा रही है, किस प्रकार की ट्रेनिंग है? देखिए, ट्रेनिंग शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ, पार्टी ये चाहती है कि जो जनमत है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव संपन्न हुआ है, उसको लूटा ना जाए। और पूर्व में ऐसे हमारे बहुत सारे हमने मौके देखे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को लूटा है। तो जो जनमत है उसका आदर होना चाहिए, हमें विश्वास है, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी और सब परिपक्व नेता यहां पर हैं। सिर्फ बारीकियों के ऊपर एक बार एक दूसरे से चर्चा करके कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी प्रशासनिक तंत्र को लेकर भाजपा ना कर पाए, सरकार ना कर पाए, उसके बारे में चर्चा। क्या लगता है आपको, भाजपा गड़बड़ी कर सकती है? ये तो सरकारें खरीद लेते हैं, ये इसके अलावा करते हैं क्या? सब गड़बड़ी तो करते हैं, अच्छा काम कहाँ करते हैं? इसी को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही जी। तो ये थे हमारे साथ तरुण भनोट जी, जिनका कहना है कि ये भाजपा सरकारें खरीद लेती है तो छोटी मोटी गड़बड़ी की क्या बात है। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।